नमस्कार मित्रों, आप जुड़ चुके हैं पेंशन विहीन साथियों के चैनल NMOPS झारखंड में। NMOPS झारखंड के बैनर तले 29 सितंबर 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में पुरानी पेंशन बहाली हेतु पेंशन पर संघर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे झारखंड से सभी विभागों के NPS कर्मी मोराबादी मैदान में जमा होंगे और वहां से एक जुलूस के रूप में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरायकेला खरसवां की टीम जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक बैठक कर रही है। आप सभी यह देख रहे हैं कि इस आंदोलन में NPS कर्मी तो शामिल हैं ही, साथ में उनके बच्चे भी कूद पड़े हैं। पेंशन पर संघर्ष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरायकेला खरसवां के जिला संयोजक श्री अमित कुमार महतो एवं उनकी टीम लगातार जिले में बैठक कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी रणनीति क्या है। आज हम लोग सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड में पंचायत स्तरीय बैठक में उपस्थित हुए हैं। हम लोग हर पंचायत में इसी तरह का बैठक हो रही है। वहाँ के जितने भी NPS कर्मी हैं उन लोग बैठक में उपस्थित हो रहे हैं और 29 तारीख को हमारे ज़िले के 100% NPS कर्मी, उसके साथ साथ OPS कर्मी भी हम लोगों के सपोर्ट में उस दिन पहुंचेंगे। लगभग हम लोग हजारों की संख्या में यहां से हम लोग गाड़ी के माध्यम से रांची कूच करेंगे और 29 तारीख का जो पेंशन पर संघर्ष कार्यक्रम है उसको हम लोग सफल बनाएंगे। हम सब का एक ही है कि पुरानी पेंशन वापस करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। 29 तारीख को लेकर अभी तक हम लोगों का 4 जगह बैठक हो चुकी है। चांडिल प्रखंड में आज ही कुकड़ू प्रखंड एवं इचागढ़ प्रखंड में भी बैठक है। शाम 4:30 बजे से सरायकेला प्रखंड में बैठक हो रही है। कुचाई प्रखंड में भी बैठक हो रही है, वहां से बस बुक हो चुकी है। चांडिल प्रखंड से अब तक 4 गाड़ी बुक हो चुकी है। राजनगर प्रखंड से भी 2 बस बुक हो चुकी है। हम लोग इसी माध्यम से हम लोग वहाँ पर कुछ करेंगे रांची मोरा। इसी संबंध में काल निमड़ी प्रखंड में बैठक रखी गई है। वहाँ हमारे प्रखंड संयोजक राकेश पात्र जी और सुशील कुमार जी के द्वारा वहाँ पर बैठक आहूत की गई है और वहाँ भी पंचायत स्तर पर इस तरह का बैठक हो रही है। पूरे ज़िले में एक आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है, सभी कर्मियाँ जग चुकी है। अब हमारे सरकार को और कोई रास्ता नहीं है, अब हमारी मांग जो है पुरानी पेंशन वो देना ही होगा। आवाज दो हमें एक है, NMOPS जिंदाबाद, 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 NMOPS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन वापस करो, वापस करो, वापस करो। पुरानी पेंशन वापस करो, वापस करो, वापस करो। NPS एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। NPS हटाओ, NPS हटाओ, NPS हटाओ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे NMOPS को लेकर के पूरे राज्य में रांची में आगामी 29 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा रैली है। उस रैली को लेकर के हम लोग निमड़ी प्रखंड में आज हम लोग सभी संकुल वाइज हम लोगों ने बुलाया था सभी शिक्षकों को और आज हम लोगों ने तैयारी किया कि हर एक संकुल वाइज से 2-2 शिक्षक को हम लोग नियुक्त किया है ताकि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग शामिल हों और हम लोग का जो हमारा हक है NMOPS का, वो पुरानी पेंशन का जो हमारा मांग है, पुरानी पेंशन चाहिए, उसके लिए कर आज हम लोग रणनीति तैयार किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो निमड़ी प्रखंड है, निमड़ी प्रखंड से कम 100 से ऊपर हम लोग शिक्षक जाएंगे। आगामी 29 सितंबर को जो रैली होने वाली है पुरानी पेंशन को लागू करने को लेकर, उसके लिए हमारे सरायकेला जिले के निमढ़े प्रखंड से हम लोग इतनी अधिक संख्या में जा रहे हैं कि हमें लगता है रांची का मोराबादी मैदान हमारे संभाल नहीं पाएगा और हम अपनी फतह हासिल कर लौटेंगे और हम दिखा कर आएंगे कि सरायकेला में निमढ़ी प्रखंड नंबर 1 है। जैसा कि आज हम लोग निमढ़ी प्रखंड में सभी NPS कर्मियों का बैठक बुलाया, जिसमें सभी संकुल के शिक्षक और दूसरे NPS कर्मी भी शामिल हुए और इसमें सभी से राय लेने के बाद निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में जाके हम लोग मोराबादी मैदान को 29 तारीख को भर देंगे और अपने मांग को पूरा करना हेतु जोरदार आंदोलन करेंगे और वहाँ शामिल होंगे। आवाज तो हम एक हैं, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अरे तुम क्यों लेते हो, अरे तुम क्यों लेते हो, हमें क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते हो, हमें क्यों नहीं देते हो। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। अरे तुम क्यों लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो, अरे तुम क्यों लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो।